गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हो गई सभी? पढ़ाई कर रहे हो? एक मिनट में लाइट ऑन कर देती हूँ। तो देखो भाई, ये था हमारे पास क्या है यहाँ पर। कल हमने जो टॉपिक किया था, जो कल हमारा लास्ट टॉपिक था, वो था फैराडेज लॉ किए थे हमने। फैराडेज लॉ क्या थे? फैराडे ने दिए थे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग था कि जितनी ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ही हमारा मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। जो सेकंड लॉ था, सेकंड लॉ कहता है कि अगर हम दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड होगा वो क्या होगा हमारा, जितना उसका इक्विवेलेंट मास होगा, जितना उस इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट मास आएगा उतना ही क्या होगा हमारा मास डिकम्पोज होगा, उसके डिपोजिट होगा। तो देखो भाई, यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कंडक्टेंस। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कंडक्टर। अब टॉपिक शुरू करने से पहले हमें ये बेसिक चीजें पता है, एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं? हमने तीन किए हुए हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, लाइक मेटल हो गए हैं, ठीक है, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं हम, वो क्या होते हैं हमारे कंडक्टर होते हैं। और इंसुलेटर कौन से होते हैं भाई? इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, ठीक है, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल लाइक वुड, प्लास्टिक, रबड़। तो जब इसी वजह से तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो जो उनके हमारे हैंडल होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं या फिर वुड के बना लो, ठीक है, तो इसी वजह से बने होते हैं क्योंकि जो प्लास्टिक बोर्ड ये क्या होते हैं इंसुलेटर, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पे तो फॉलो नहीं करते, लेकिन जब हम उनके अंदर इम्प्यूरिटीज ऐड कर देते हैं, कुछ और ऐड कर देंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ओके। तो ये तो थी कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। बट हमें यहाँ पर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर से कोई भी नहीं मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, कंडक्टर पढ़ने हैं, ओके, हमें यहाँ पर कंडक्टर पढ़ने हैं। अब कंडक्टर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है वो किसकी वजह से होती है भाई? इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से कंडक्ट होती है? कोई भी सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करता है और क्यों नहीं करता? तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के पीछे हमेशा जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तुमसे कि कोई भी सब्सटेंस है, व्हाई दिस सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई दिस सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस, पर्टिकुलर सब्सटेंस का नाम लेकर पूछे कि हाँ ये सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है, तो वहां पर दो ही रीजन होते हैं भाई। अगर वो मेटल है या मेटल पर्टिकुलर मेटल है तो वो किसकी वजह से कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, हम ये एट्थ क्लास में भी था, नाइन्थ में भी था, पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेवंथ क्लास में भी पढ़ा था कि मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मीन्स वो हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो जो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही हम उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, फ्लो करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम उस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करना शुरू कर देते हैं, और वो एक टर्मिनल से अगर दूसरे टर्मिनल में जाएंगे तो एक पाथ प्रोवाइड करवाएंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और जो दूसरा रीजन है, लिक्विड वगैरह है या फिर कोई और सब्सटेंस, उनमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है, तो उनमें इम्प्योरिटी और या फिर फ्लो ऑफ आयन्स, कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी, फ्लो ऑफ आयन्स, आयन्स के फ्लो की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट
आयन मीन्स कैटायन और एनायन दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज दोनों ही तरह के जो आयन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन अलग चीज है और एनायन अलग चीज है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन और एनायन को कंपेयर मत कर लेना कि एनायन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन अलग है, इलेक्ट्रॉन एक सबएटॉमिक पार्टिकल है, बट जो एनायन है वो कब जनरेट होता है, एनायन कब जनरेट होता है, जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, मीन्स वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसके पास। कोई भी मॉलिक्यूल है जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास है अगर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैटायन हो रहा है। ओके, तो भैया हम लोग शुरू करते हैं टाइप ऑफ कंडक्टर। यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर नीचे ही करना पड़ेगा। सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं आर कॉल्ड कंडक्टर, आर कॉल्ड कंडक्टर। सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर। ओके, देयर आर जनरली टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सॉरी सेमीकंडक्टर नहीं कंडक्टर, यहाँ पर क्या होते हैं दो तरह के कंडक्टर होते हैं। देखो ये कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट मेटल, पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड सेकंड इज मेटलिक कंडक्टर। ओके, टू टाइप के होते हैं हमारे पास कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मैग्नेटिक कंडक्टर, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं। पता नहीं भाई बुक में लिखा हुआ है या नहीं, बट ये मैग्नेटिक कंडक्टर का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्यों बोला जाता है उसकी डेफिनेशन बताएंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है, मैग्नेटिक कंडक्टर क्या होता है, दोनों को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं, इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कंडक्टेंस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन्स, फ्लो ऑफ आयन्स, अब वो पॉजिटिवली और नेगेटिव दोनों ही तरह के हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स। और जो हमारा होता है मेटलिक, मेटलिक कंडक्टर के अंदर, इन मेटलिक कंडक्टर कंडक्टेंस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या होते हैं आयन्स फ्लो करते हैं। ओके, दिस इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रिक मेटल कंडक्टर। अच्छे से डिफरेंस हम इनमें बाद में करेंगे, अभी की डेफिनेशन में ही डिफरेंस किया है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट
अब भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एक ही तो है नहीं, तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को इसकी कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मैटेलिक कंडक्टर में कौन कौन से फैक्टर कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं उनके बारे में हम अच्छे से कवर करेंगे। तो देखो यहाँ पर देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग dissociation
एजुकेशनल फाइल्स अगर या फिर कह सकते हैं लार्ज कह लो मोर डिसोसिएशन कह लो मोर डिसोसिएशनल फाइल्स एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। आगे ये वाली लाइन नोट पर लिखूंगी इसको और कर देती हूँ मैं इसका मैं हट जाता हूँ बस स्क्रीन शॉट ले लो फिर इसके ऊपर लिखूंगी ले लिया होगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फैक्टर इफेक्टिव कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं ये टॉपिक चल रहा है हमारा। तो देखो भाई जिसमें ज्यादा आयन्स उसी में ज्यादा कंडक्टेंस ठीक है। तो वीक स्ट्रॉन्ग में क्या होते हैं ज्यादा डिसोसिएशन होती है आयन्स की तो उसमें क्या होंगे ज्यादा आयन्स होंगे हैंस इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहां पर लिखना पड़ेगा मोर आयन्स आर फ्लो देन वीक इलेक्ट्रोलाइट ठीक है वीक इलेक्ट्रोलाइट हैंस सो कंडक्टेंस ठीक है। तो इस वजह से अगर हमारे पास दो तरह के कंडक्टेंस है कंडक्टर है एक स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वीक। सेकेंड इज जो सेकेंड फैक्टर है वो है साइज साइज ऑफ आयन्स। साइज ऑफ आयन्स में कैसे पता चलेगा देखो भैया बिल्कुल सिंपल हमारी डेली लाइफ के साथ रिलेट करते हैं। एक तो है पतला मतलब बिल्कुल पतला भी नहीं लेना मीन्स ठीक है ना पतला ना मोटा और एक है काफी बड़ा हेल्थी मोटा इंसान। अगर हम दोनों को भगाते हैं फ्लो ही तो करना है भागते ही तो इलेक्ट्रॉन आयन ले लो या फिर इलेक्ट्रॉन ले लो वो फ्लो ही तो करते हैं भागते ही तो है तो जो जितना जल्दी फ्लो करता है जितनी ज्यादा स्पीड होती है उतनी ज्यादा लगता है सोचिए। अब हमारे में एक पतला सा बंदा है एक मोटा बंदा है तो मोटा ज्यादा तेज भागेगा या पतला सबको ही पता है ये तो ठीक है। तो पतले वाला जो बंदा होता है जो छोटे साइज वाला होता है वो ज्यादा स्पीडली फ्लो करेगा एज कंपेरिजन टू लार्ज आयन्स ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे स्मॉल साइज इसके अंदर ग्रेटर दी आयन ग्रेटर दी आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या फिर क्या कह लो ग्रेटर दी सोल्वेशन सोल्वेशन ज्यादा है देन जितना ज्यादा ग्रेटर दी साइज आएगा तो यहां पर ग्रेटर दी साइज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ग्रेटर दी साइज ऑफ आयन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जितना ज्यादा आयन्स का साइज होगा देन फ्लो या फिर कह देते हैं स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात नहीं यहां पर आयन्स की बात है आयन्स आर स्लो हैंस लेस कंडक्टेंस क्या होगी कम होगी अगर स्पीड कम है तो कंडक्टेंस थर्ड क्या है कंसंट्रेशन
ठीक है। अब यहां पर देखो कंसंट्रेशन के अंदर मोर दी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी इलेक्ट्रोलाइट की, मोर दी आयंस फ्लो, उतने ही ज्यादा क्या होंगे आयंस फ्लो थ्रू आउट, उतने ही ज्यादा क्या फ्लो करेंगे आयंस फ्लो होंगे, हेंस मोर दी रिलक्टेंस। भाई यहां पर उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पर मोर दी आयंस मोर दी स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस बिटवीन द फ्लो ऑफ आयन, फ्लो ऑफ आयन्स में इतनी क्या होगी स्टीरिक हिंड्रेंस, हेंस लेस द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इतनी कम होगी। यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जो कंसेंट्रेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टेंस के। लास्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो है टेम्परेचर, फोर्थ पॉइंट जो है वो है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का हमें पता ही है, एज टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज देन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कह लो या फिर वेलोसिटी कह लो स्पीड कह लो एक ही बात होती है, ऑफ आयंस आर इंक्रीज उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी हेंस कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ओके तो ये है भाई हमारे पास फैक्टर, फैक्टर इफेक्टिंग दी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये था, यहाँ पर नेचर था, नेचर में स्ट्रोंग और वीक थे, तो स्ट्रोंग की ज्यादा होगी क्योंकि उसमें ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होते हैं। उसके बाद था साइज, साइज हमें पता है जितना बड़ा साइज होगा वो उसमें वो उतना ही कम फ्लो करेगा और जितना कम फ्लो करेगा कंडक्टेंस उतनी ही कम होगी। उसके बाद है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है भाई सोल्यूट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सोल्यूट यहाँ पर ऑब्वियसली ठीक है आयंस को ज्यादा बन जाएंगे वो बात है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है स्टीरिक हिंड्रेंस होती है वो क्या हो जाएगी मतलब भीड़ भाड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगी हमारी कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है टेम्परेचर, जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी मीन्स मॉलिक्यूल उतना ही स्पीडली मूव करेंगे और स्पीडली मूव करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगी इंक्रीज होगी, ओके। उसके बाद है भाई मैटेलिक कंडक्टर को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इसमें उसको क्योंकि वो हमें नहीं पढ़ना है, मैटेलिक कंडक्टर के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, तो उसके बारे में बस उसके हेडिंग हेडिंग लिखवा देती हूँ मैं कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है हमारे। फैक्टर इफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। तो देखो भाई इसके अंदर सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिख देते हैं, नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल, सेकेंड इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
जितनी ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी कंडक्टेंस होगी। ओके भाई, तो ये है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो कल इन दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे, और उसके बाद जो हमारी कंडक्टेंस ओम्स लॉ जो फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ तुमने ओम्स लॉ, और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ये सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उसमें। ओके, तो अपनी नोटबुक प्रिपेयर करोगे सभी, अगर इसमें कोई डाउट आता है तो बता देना।